का राष्ट्रगान का अपमान, देश की शान का सरेआम बनाया मजाक, राष्ट्रगान का अपमान, अदनान को पड़ा भारी, योगी पुलिस ने चलाया डंडा, देशद्रोह में गया जेल। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी के मेरठ में मोहम्मद अदनान को राष्ट्रगान का अपमान करना भारी पड़ गया। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां हर कोई तिरंगा फहरा रहा था और राष्ट्रगान को सम्मान के साथ गाते हुए देशभक्ति दिखा रहा था, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले मोहम्मद अदनान और रूहल राष्ट्रगान पर बेहुदा डांस कर रहे थे और राष्ट्रगान का अपमान कर रहे थे। मेरठ में रेलवे रोड क्षेत्र में अदनान और रूहल द्वारा राष्ट्रगान पर किया गया बेहुदा डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसके बाद अब योगी की पुलिस ने अदनान को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अदनान पहले राष्ट्रगान बजाकर सलामी के मुद्रा में राष्ट्रगान का गान करते हैं, लेकिन फौरन ही उसका मजाक उड़ाते हुए राष्ट्रगान पर डांस करना शुरू कर देते हैं। अब इसी वीडियो पर मेरठ पुलिस ने एक्शन लेते हुए ये बताया है कि थाना रेलवे रोड पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, शेष की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल सुधीर मिश्रा ने राष्ट्रगान की वीडियो और अदनान की जेल की तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया था और लिखा था कि यूपी मेरठ में राष्ट्रगान का अपमान करने वाला अदनान गिरफ्तार, दूसरे आरोपी रूहल की तलाश जारी। योगी राज में अपराधियों की सही जगह जेल है, जिस पर मेरठ पुलिस ने जवाब देते हुए बताया था कि अदनान गिरफ्तार हो चुका है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। वहीं इस खबर पर नदीम राम अली ने कमेंट करते हुए कहा कि सर, गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं है, समाज सुधारक पट्टे से अच्छे से इनकी सेवा करनी चाहिए। इसके बाद चित्रदेव यादव ने लिखा कि इस जगह में भी बदलाव करना जरूरी है, इनको जेल नहीं सीधा 72 हूरों के पास भेजना चाहिए, इनके अंदर खून और परवरिश इतनी खराब है, ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। वहीं एक और यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिख दिया कि ये तो मदरसे की पढ़ाई का असर है, हमारे नबी की शान में कुछ कहा तो सर तन से जुदा, हमारे देश की शान में कुछ किया तो सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि बस एक दिन की जेल। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेरठ पुलिस ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है और बताया है कि राष्ट्रगान पर डांस करने वाला युवक थाना रेलवे रोड पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो गया है। वहीं तन्मय शंकर ने इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए बताया कि इन लोगों को राष्ट्रगान का मतलब ही नहीं पता, तो इनको राष्ट्रभक्ति क्या खाक पता होगी। मेरठ में राष्ट्रगान पर अदनान को ज्यादा मस्ती सूझ रही थी, यूपी पुलिस ने सारी मस्ती निकाल दी है, अदनान गिरफ्तार हो गया है और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। तो देखा आपने किस तरीके से यूपी पुलिस ने राष्ट्रगान का अपमान करने वाले अदनान पर एक्शन लिया है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसका विरोध किया जा रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रगान पर डांस करते हुए उन्होंने वीडियो अपलोड किया है, अब इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि बाकी जो लोग हैं इस तरीके का कोई भी कारनामा ना कर पाए। वैसे योगी आदित्यनाथ के राज में अगर कोई भी इस प्रकार की हरकत करता है तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है। बहरहाल दूसरे जो वीडियो में दिख रहा है व्यक्ति, उस आरोपी को ढूंढा जा रहा है और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है और जल्द ही उन पर एक्शन लिया जा सकता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको एक बार फिर से वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें पीछे राष्ट्रगान बज रहा है, जो कि हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते, लेकिन राष्ट्रगान के बीच में ही किस तरीके से अदनान डांस करने लगता है और इसी पर आपत्ति है।